हरे माधव, मेरा नाम हरगुन भागवानी, मैं नागपुर शहर का निवासी। मैं नागपुर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता हूँ। ये मेरे पिताजी श्री किशनचंद भागवानी। यह मेहर भरा वाक्य लगभग 2016 के आसपास का है, जब मैं कोटा शहर में JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। वहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि पढ़ाई की स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन कितना ज़्यादा है, फिर भी बच्चे अपनी तैयारी बेहद ही जी तोड़ से करते हैं। मैं भी उनमें से एक था। कोटा शहर में 11th 12th की पढ़ाई बेहद ही अच्छे से कर रहा था, लेकिन कभी कभी माहौल ऐसा थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, तो उस समय कुछ आसपास के बच्चों ने सुसाइड कर दिया। उस साल लगभग 120 बच्चों ने कोटा शहर में सुसाइड किया था, तो थोड़ा डर का माहौल सभी के बीच में फैल गया था। मैं भी थोड़ा डरा हुआ था और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। इतना डर गया था कि कुछ करने का मन ही नहीं करता था। मैंने अपने पिताजी से बात की तो पिता ने बोला मुझे कि फ़िलहाल कुछ दिन वापस आ जा और घर में रह जा, मूड अच्छा होगा, फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद वापस कोटा चले जाना और पढ़ाई स्टार्ट करना। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि मैं ठीक से ना किसी से बात कर पाता था, ना ही ज़्यादा पढ़ाई कर पाता था। घर पे भी वैसा ही थोड़ा मेरे मन में नेगेटिव माहौल बस गया था। कोटा की बातें चलती रहती थी, मन में ऐसा रहता था मेरे माता पिता के कि सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेबान जी बैठे हैं, वही मेहर करेंगे। तो फिर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेबान जी के श्री चरणों में मेरे माता पिता मुझे लेके आए। बाबा जी के श्री चरणों में आते ही मैंने मत्था टेका, बाबा जी ने मेहर भरा हाथ मेरे सर पे भी रखा, मेरा कान भी मरोड़ा और मेहर वाली झड़प दो तीन चमाटे भी मारी। उससे उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बाबा जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा, धीरे धीरे फिर मेरे मन के तनाव, एंजाइटी और स्ट्रेस, धीरे धीरे डिप्रेशन कम होने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे अपने शहर में ही, गोंदिया शहर में दरबार साहिब में रेगुलर जाना स्टार्ट किया। सुबह वहाँ पे आरती एवं अरदास नियमित रूप से होती है, तो वहाँ पे मैं नियमित रूप से जाने लगा, बाबा जी की सेवाएं करने लगा एवं जो भी अरदास की, भजन की, ढोलक की जो भी सेवा मुझे मिलती थी वो मैं सुचारू रूप से निभाने लगा। धीरे धीरे मेरे मन की इतनी हालत अच्छी हो गई, सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिबान जी की ऐसी मेहर हुई कि मेरी लगभग प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। फिर मैं 2017 में मैंने नागपुर शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। पहले तो ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन बाबा जी की दया मेहर से फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। 2017 में वर्षी महोत्सव में ही कटनी शहर में बाबा जी की दया मेहर से उन्हीं से मुझे नामदान की दीक्षा प्राप्ति हुई एवं तभी से मेरे जीवन में अलग ही निखार आ चुका है। अभी जो भी मैं जिस भी पोजीशन पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ, ये सब मेरे सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेबान जी की ही दया मेहर है। हरे माधव, हरे माधव।